मम्मी। हाँ बेटा। ये पेरिस कहाँ है? अब मुझे क्या पता, कितनी बार कहा है कि अपनी चीज संभाल कर रखो, देखो वही कहीं रखी होगी। मैं क्या कहती हूँ, मुझे जरा बाहर घुमाने ले जाइए ना। चल चल अबे। प्लीज। नहीं। रिक्वेस्ट। ए भाई, नहीं मतलब नहीं। हाँ ठीक है, फिर न चाहते हुए भी बापूजी को फोन करना ही पड़ेगा। बोल कहाँ जाना है। थैंक यू। गो गो करके खुद ही चली गई। तू, तेरी माँ, सुंदर, नटू काका, सब मेरी जान का दुश्मन है, दुश्मन। इसमें मेरी माँ और सुंदर को क्यों बीच में ला रहे हैं? अब यही कहना चाहते हो ना कि मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ? सिर्फ खूबसूरत नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। आहा। नौ तो बज गए मेहता साहब। नौ बज गए? अरे मर गए यार, मेरी तो 11 बजे फ्लाइट है। अब ये काम करो मेहता साहब, फ्लाइट इधर ही बुला लो। टप्पू के पापा, फ्लाइट यहाँ नहीं आ सकते, रास्ता बंद है ना। अरे चूरन चूरन दू। अरे अभी तो खाना खाया। हाँ, इसीलिए तो। क्या इसीलिए तो? चूरन की आइसक्रीम है कि खाना खा लिया तो अभी लो चूरन खाओ। अरे भाई अभी तो खाना पहले पायदान पे है, धीरे धीरे पेट की तरफ जा रहा है, उसका हजम होने के लिए टाइम तो दो। अगर वो हजम होने का ना बोले तो चूरन खाया जाता है। अभी से चूरन दो चूरन दो चूरन दो। ए भाई, इसमें बहू को क्यों इतने डांट रहा है? नहीं नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ बाबूजी, मैं खाली इसको बता रहा हूँ कि अगर चूरन चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगा। दया दया। बोलो टप्पू के पापा। तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ, पूछो पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो, आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। आज दिन बहुत अच्छा है, आज एकदम पता नहीं शांति शांति लग रही है। रोज क्या तेरे कानों में ढोल और मंजीरे बजते हैं? मैं सिर्फ पत्नी पीड़ित नहीं, पुत्र पीड़ित और पिता पीड़ित भी हूँ। ये क्या मच्छर की तरह गुनगुन गुनगुन कर रहा है? हाँ बापू जी, ये मच्छर का तो कुछ करना पड़ेगा, आजकल बहुत काटने लगे हैं। क्या? अब बापू जी, आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊँ? आप जो भी बोलेंगे ना वो बना कर दूंगी।